ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता को अंगुली लगाए तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, मेरे किसी भी कार्यकर्ता से तू कहकर बात नहीं की जाएगी। बाड़ी को बिहार बनाकर रख दिया गया है, बाड़ी में कोई झंडा नहीं लग सकता है, वहीं पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं होती है। हालांकि पूर्व विधायक की इस दबंगई का वीडियो सामने आने के बाद वो बैकफुट पर है और कहा कि मैंने किसी को धमकाने के लिए नहीं बल्कि अराजकता न फैले इसलिए ऐसा बयान दिया है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कह दी थी तो मैं यहाँ से बचा हुआ अल्लाह से एक भी कार्यकर्ता से अगर तू कह दिया तो इनको घर में से नहीं निकलने देंगे। आपको याद है पंचायत कार्यकारिणी का चुनाव था, इन्होंने एक मेंबर को अंदर घुसा दिया, मैंने एसपी से कभी निकाल के आगे नहीं तो लट बजा के ऐसे घर पे हजारों लोग सड़क आ जाएंगे जबरदस्त मगर जाए घर से ले आगे खींच के दो मिनट में पुलिस आएगी दो मिनट में मेरे कार्यकर्ता से मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे किसी भी कार्यकर्ता से अगर उंगली लगाई तो मैं हाथ हाथ कर उनको भयमुक्त करने के लिए मैंने ये बात कही थी कि अगर कोई उंगली लगाएगा तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे और अगर वो धमकी मारने की देते हैं तो मारने में हम भी पीछे नहीं हैं, हम टिट फॉर टेट जैसे का तैसा देंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं अराजकता नहीं फैलने देंगे, पुलिस प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करेंगे। ये सब बातें मेरे भयमुक्त करने के लिए, लोग डरे नहीं, लोग निर्भीक होके वोटिंग कर सके, निर्भीक होके प्रचार कर सके, ये मेरा मूल उद्देश्य था। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि इस तरह का कोई मुझे कानून को हाथ में लेना है। तो आपने सुना किस तरह से विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब मंच से बीजेपी नेता कहते हुए नजर आए कि अगर उनके कार्यकर्ता को किसी ने उंगली लगाई तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तू कहकर अगर बात की तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। और हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अर्चना शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज पर। आपने सुना होगा क्या कुछ बदजुबानी कहते हुए पूर्व विधायक जसवंत सिंह दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, उनकी बातों को सुनकर क्या ऐसा लगता है कि ये अराजकता ना फैले ऐसा इस लिहाज से दिया गया बयान है या फिर एक धमकी लग रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुद्ध रूप से धमकी है और ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा के नेता हैं और चाहे वो वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, ये सब लोग मिलकर के आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों को सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं और एक ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं जिससे भयभीत होकर जनता उनके प्रति किसी प्रकार के कोई नगल काम किए जा रहे उसको न उठाए, उसे सार्वजनिक न करें। मैं समझती हूँ जैसे की धन सिंह रावत के खिलाफ FIR दर्ज हुई, निर्वाचन आयोग को इसे भी संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, उन लोगों को धमकाते हो, मारने की धमकी देते हो, उन लोगों को ना तो जनप्रतिनिधि होने का, राजनेता होने का कोई अधिकार है, उनका बहिष्कार सामाजिक रूप से भी होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का दायित्व कानून व्यवस्था को बनाए रखने का है वो लोग कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें किसी भी तरह से शोभ नहीं है, उस समय जो विशेषकर जब आचार संहिता लगी है, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रवृत्ति केंद्र से लेकर राज्य तक है उसे हर स्तर का नेता अपना कर और अपने बाजुओं को की ताकत दिखाना चाहता है और साथ ही साथ जनता को प्रभावित करके उसे धमकाना चाहता है, तो ये सारी स्थितियां सुखद नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से। जिस तरह से एक सामाजिक सभा में तमाम लोगों के बीच में ये बात कही गई, ये धमकी पूर्व विधायक जसवंत सिंह की ओर से दी गई है, तो ऐसे में चुनाव के वक्त में कितना बड़ा मामला मानती हैं आप इसे और विपक्ष के तौर पर क्या कुछ आपकी इस मामले को उठाने को लेकर, बीजेपी को घेरने को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे, क्या उम्मीद करें आप? ये बहुत गंभीर मामला है और ये अनैतिक कृत्य है और इसे अगर वैधानिक मापदंड पर भी देखें तो पूरे कानून का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हम इसे निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे संपूर्ण प्रकरण की और उनसे अनुरोध करेंगे संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ कानून कार्रवाई शुरू की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शशि, जिस तरह से अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग तक इस मामले को लेकर जाएंगे, शिकायत करेंगे और विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है पूर्व विधायक जसवंत सिंह का, इसे देखकर कहीं पर भी ये कहा नहीं जा सकता कि ये अराजकता ना फैले इसको लेकर दिया गया बयान था। देखिए,
बाड़ी धौलपुर जिले में पड़ता है और जहां तक बाड़ी का सवाल है, पूर्वी राजस्थान की राजनीति में कई बार बाहुबल का प्रयोग देखा गया है और यही कारण है कि प्रदेश के जो संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं वो ज्यादातर उनमें से पूर्वी राजस्थान में ही चिन्हित किए जाते हैं। मुझे पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त राम लोभाया का बयान भी ध्यान आता है, जब वो पद छोड़ने के बाद में, रिटायर होने के बाद में एक बार कहते हुए देखे गए कि पूर्वी राजस्थान में अभी भी कई जगह ऐसा देखने में आता है जहां पर जो दबंग लोग हैं वो कमजोर वर्ग के लोगों को दबाते हैं और चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। ये कोशिश भी चुनाव को प्रभावित करने की है। हालांकि यहाँ पर आमतौर पर ये परिपाटी रही है कि जो ज्यादा बाहुबली होता है वो जीतता हुआ दिखाई देता है। संभवतः जसवंत गुर्जर ने भी इसी तरीके के बयान अपने कार्यकर्ताओं के बीच जोश बढ़ने के लिए दिया होंगे, लेकिन जब निर्वाचन विभाग की नजर ऐसे बयानों पर है, जब घनसिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए निर्वाचन विभाग की तरफ से, तो संभव है ऐसे बयानों को भी निर्वाचन विभाग गंभीरता से लेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं के ऊपर कोई लगाम कस पाएंगी क्या? हालांकि पार्टियों से जब इस बारे में पूछा जाता है तो बीजेपी ये कहती हुई दिखती है कि उन्होंने बयान सुना नहीं है, जब उनकी जानकारी में कोई बयान आएगा तो उस पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे, ये कहकर से बचने की कोशिश होती है। बिल्कुल, रटा रटाया सा जो जवाब होता है वही हर वक्त सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली तस्वीरें हैं, ये पहला बयान है, इससे पहले भी कई और नेताओं के, चाहे वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हो या फिर कांग्रेस से, इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर चुके हैं। बदजुबानी उनके लगातार सामने आती रही है। इस बार क्या कुछ कार्रवाई होती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह का वो विवाद बयान आपको। मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कहती थी तो मैं यहां से अगर तू कह दिया तो इनको घर में से नहीं निकलने थे। आपको याद है पंचायत के प्रधानी का चुनाव था, इन्होंने एक मेंबर को अंदर घुसा दिया, मैंने SP से कभी निकाल के लाइए नहीं तो लट बजा गया इसके घर पे, हजारों लोग चौक पर आ जाएंगे, जबरदस्त मंगा गया घर से ले आगे खींच खींच के, 2 मिनट में पुलिस आएगी तो 2 मिनट मेरे कार्यकर्ता से मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे किसी भी कार्यकर्ता से अगर उंगली लगाई तो मैं हाथ हाथ ईमानदारी से।